अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल महक डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा था जिसमें मैं वलीमे में गई थी। ये व्लॉग है सत्ताणे का। हमारी जो कास्ट है उसमें वलीमे के बाद सत्ताणा रखते हैं, चाहे हॉल में या घर में। तो कुछ लोग नहीं भी रखते, मर्ज़ी होती, लेकिन वैसे रखते भी हैं। तो ये व्लॉग है जिसमें मैं सत्ताणे में जा रही हूँ। ये भी महक गार्डन में रखा हुआ था, कराची में है जो महक गार्डन, बहुत फेमस हॉल है ये, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है। अपने व्लॉग में, मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो ये डेकोरेशंस अगर हम चाहें तो चेंज करा सकते हैं। वैसे नॉर्मली ऐसा डेकोरेशन होता है, लाइटिंग वगैरह, और ऐसे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो पहले भी मैं ये हॉल में आई थी तो अलग था डेकोरेशंस, ऊपर लाइटें लगी हुई थी। और ये मतलब जैसे आप चेंज अगर थोड़ा कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। तो ये फिर हम सत्ताणे में गए, माशाल्लाह हॉल और लोग सब काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और फिर माशाल्लाह ये दूल्हा दुल्हन की एंट्री दोबारा से हो रही थी। माशाल्लाह दूल्हा और दुल्हन बहुत प्यारे लग रहे थे। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वलीमे में दुल्हन पहनती है, वो है ऑफ वाइट, बिल्कुल लाइट सा कलर, बीच कलर। और दूल्हा साथ में कोई वाइट पहनते हैं या ब्लैक पहनते हैं, ब्लू भी पहनते हैं, मतलब गोल्डन के साथ ब्लू कंट्रास्ट में मेहरून भी पहनते हैं। तो वो डिपेंड करता है जैसे जिसकी पसंद हो। लेकिन जो दुल्हनों का ऐसे ड्रेस चला है वो है गोल्डन ऑफ वाइट ये कलर। और निकाह के दिन तो ऑब्वियसली सब ज़्यादातर रेड ही पहनते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट वैरायटी जैसे टू शेड्स में चाहिए हो तो यहाँ मैंने जैसे देखे वेडिंग्स ड्रेसेस उसमें होते हैं, ग्रीन होता है साथ में थोड़ा सा बेज होता है, ऐसे कोई और कलर, पिंक कलर थोड़ा सा शेड्स में होता है। लेकिन रेड में अगर आप लेना चाहें तो वो बहुत अच्छी डिज़ाइन और अलग अलग तरह की डिज़ाइन और गरारा वैसे मिल जाते हैं। तो बहरहाल हम पहुँचे, माशाल्लाह सब से मुलाकात हुई, हम बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन और सब कुछ हुआ हुआ था। फिर दूल्हा दुल्हन की एंट्री जल्दी हो गई क्योंकि वलीमा निकाह का थोड़ा सा लेट होता है, रिसेप्शन ये सत्ताणा था, तो इसमें दूल्हा दुल्हन की एंट्री जल्दी हो गई थी। हम बैठे हुए थे और ये लाइटें ऑफ वगैरह जैसे एंट्री में होती है तो वैसे लाइटें ऑफ हो गई थी। और फिर सॉन्ग्स वगैरह बज रहे थे और फिर ये लाइटिंग, ये स्टेज में, ये तकरीबन हर हॉल में है। दूसरे हॉल में भी मैंने देखा था, तो जब एंट्री हो जाती है तो ना फिर हॉल में ऐसे ये पोजेस लेते हैं, तो उसमें ये लाइट, डिस्को लाइट जैसे कहते हैं, वो लगी हुई होती है। और फिर साथ में दूसरे ऐसे लाइक स्नो गिर रहा होता है, फ्लावर्स गिर रहे होते हैं। वैसे भी करना चाहो तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे होता है, सब अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। माशाल्लाह सब बहुत अच्छे रेडी हुए हुए थे। तो मेरा व्लॉग ये जल्दी ही मैं अपलोड करती, आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी क्योंकि लास्ट वीक मेरे अब्बू आए हुए हैं सऊदीया से, तो इसलिए घर में मेहमान आना और बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैं बिज़ी थी। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो मेरे अब्बू मेरे लिए और मेरी सिस्टर, हम सब के लिए जो सामान लेके आए, गिफ्ट्स वगैरह, वो भी मैं आपके साथ एक व्लॉग बना के शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और दूसरे भी बहुत व्लॉग हैं आप लोगों के साथ, ज़रूर मैं शेयर करूँगी। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें। और फिर ये खाने का टाइम हो गया था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।